अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। 2 मिनट अवेयरनेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द आर्ट ऑफ स्टिलनेस बुक में से कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। यू कैन हैव रिचर लाइफ एक्सपीरियंसेस, ऑल यू हैव टू डू इज टू गो नोवेयर। 29 की एज में पीकू अय्यर के पास अपना अपार्टमेंट था। ड्रीम जॉब थी एज अ राइटर इन टाइम्स मैगजीन में, मतलब वो सब कुछ था जो कि उनका ड्रीम था, लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी थे। पीस और हैप्पीनेस की तलाश में वो क्योटो जापान में आए और वहाँ उन्होंने सॉलिट्यूड और क्वाइट प्लेस फाइंड की। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कोई ना कोई काम ढूंढते रहते हैं, किसी दोस्त से मिलना, एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करना एंड सो ऑन। ऑथर कहते हैं कि हमारा ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कुछ दिन की छुट्टी जिसमें आप सोशल मीडिया नहीं पर आप खुद को टाइम दो, और किसी क्वाइट जगह पे, जैसा कि घर में किसी रूम में विदाउट एनी सेल फोन, सिर्फ खामोशी से अपने आप को टाइम दो। ऐसा करने से आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता चलेगी, जो कि हमारे बिजी रूटीन में कहीं फेडल रहती हैं हमेशा। ईस्ट एशिया के पोइट्स, ग्रीस के फिलोसोफर्स और रोमन भी हमेशा प्रीच करते रहे स्टिलनेस के बारे में। आइडियाज और इंस्पिरेशन तभी आते हैं जब आप रोज की रूटीन से थोड़ा दूर होकर आप अपने आप के लिए टाइम निकालो। अब यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि अपने आप को टाइम देना मतलब रिलैक्स होकर सोशल मीडिया यूज करना, या फिर म्यूजिक सुनना, या फिर किसी फ्रेंड के साथ वॉक पर जाना। बट असल में अपने आप को टाइम देने का मतलब ये है कि आप हर चीज़ से डिटैच होकर एक पीसफुल जगह पे बैठो और सिर्फ खामोशी से खुद को ऑब्जर्व करो, मतलब अपने थॉट्स को, अपनी नेचर को, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है। तो आप किस तरह डिफरेंट हो बाकी इंसानों से, आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब जानने की कोशिश करें। यू विल फाइंड द रियल यू व्हेन यू टेक अ ट्रिप टू नोवेयर। कभी कभी वाकई हम ऐसा फील करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, मतलब इतना कुछ अचीव करने के बाद भी हमें यह फीलिंग आती है कि हम यूजलेस हैं, या लाइफ में और कुछ भी नहीं कुछ नया करने के लिए, लाइफ बोरिंग हो जाती है। बट ऑथर कहते हैं कि थॉटलेस स्टेट को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। ऑथर का मानना है कि जितना हम मेडिटेट करेंगे उतनी लाइफ हमें क्लियरली विजिबल होगी और लाइफ सिचुएशंस अंडरस्टैंडेबल होंगी। आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है मेडिटेशन से, और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। मेडिटेट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी माउंटेन जाओ, कहीं दूर चले जाओ या दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाओ, बट आप घर पर ही मेडिटेट कर सकते हो, जो कि आपको लाइफ के क्लटर से दूर करेगी और आपके लाइफ प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। ये तो हकीकत है कि लाइफ कभी रुकती नहीं, तो आपको कभी कभी लाइफ से मोमेंट्स स्टील करने होंगे अपने आप को रिकवरी टाइम देने के लिए, और लाइफ ट्रबल्स और चैलेंजेस को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। शुक्रिया।